मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रवान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 लेके आया हूं। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में पहला, दूसरा और तीसरा सवाल सॉल्व किया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा सवाल क्या है। तो चौथा सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान बताइए। ठीक है, तो देख लीजिए सोल्यूशन हल। तो हम लिखेंगे 15 cot a, क्या है क्वेश्चन, इक्वल, ठीक है, इक्वल क्या है 8। अब हमको हम क्या करते हैं, cot a इक्वल 15 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, ये 15, 8/15। अब आप जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है, तो cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं आधार बटे लंब बराबर हो गया 8/15। अब देखिए यहां किसका मान दिया गया है, cot a, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण b बराबर क्या होगा 90 अंश, और यहां क्या दिया गया है cot a, तो a के सामने जो होगा ये होगा लंब, ठीक है, और ये जो होगा आपका आधार, यानी ये आपका हो गया लंब और जिस पर कोण बना हुआ है ये हो गया आपका आधार, और 90 अंश के सामने वाला हो गया काट। अब कह रहा है कि काट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है 8, तो हम यहां कर देते हैं आधार क्या हो जाएगा 8, लंब कितना है 15, लंब कितना है 15, तो हम यहां हम लिखेंगे आधार की जगह पर लिखेंगे ए बी बटे बी सी बराबर हो गया 8/15। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण, क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो हमको अब निकालना क्या है, सबसे पहले कर्ण का मान निकालना है, तो प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है एसी, तो यहां हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है जी, तो लंब है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी। अब हम मान रख देते हैं ए बी का मान कितना है 8 और बी सी का मान कितना है 15,
यानी 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब हो जाएगा 15 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 225 धन 8 उठाएं 64। अब दोनों जोड़ लेंगे तो 5 और 4 हो गया 9, 268, 289। एसी स्क्वायर का मान हो गया 289, तो एसी बराबर हो गया अंडर रूट 289 जो किया जाता है 17। ठीक है, अब हमको एसी का मान भी पता हो गया। तब अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, साइन है तो साइन ए बराबर, आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बीसी, कर्ण क्या है एसी, लंब का मान कितना हो जाएगा 15 और कर्ण का मान 17, तो आपका आ गया साइन ए का मान हो गया 17/15। अब देख लेते हैं हम सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है एसी, आधार कितना है एबी, एसी कितना है 17, एबी कितना है 8। ठीक है, तो ये चौथा सवाल आपका हल हो गया, इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, यदि सेक ए इक्वल 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो किसका मान दिया गया है, सेक ए का मान दिया गया है कितना है 13/12। तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सभी क्या है साइन हो गए ए, ठीक है, फिर क्या हो गया कॉस हो गया ए, फिर क्या हो गया टैन हो गया, ठीक है, क्या हो गया टैन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया कोसेक हो गया, और फिर उसके बाद कॉट हो गया। यानी आपको बता दें इसके अलावा साइन कॉस टैन कोसेक और कॉट का मान आपको निकालना है, लेकिन आपको पता है कि सेक ए का एक और होता है बराबर हो जाएगा क्या होता है, तो आपका हो जाता है कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब उसके लिए देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज मान लिया जाता है, ले लिया जाता है, और उसमें कर्ण कितना है ये आपका 13 है, आधार कितना है 12। क्या नहीं पता हमको, लंब पता नहीं है, ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इसको कर्ण का मान क्या है एसी, यानी हम कह सकते हैं कि एसी बटे एबी बराबर कितना है 13/12।
तो अब हमको किसका मान निकालना है, लंब का मान आपको निकालना है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घट जाएगा। लंब का क्या मान है, समकोण त्रिभुज में बीसी, बीसी बराबर कर्ण का मान क्या है एसी, यानी बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस आधार का मान क्या है ए बी स्क्वायर। एसी का मान कितना है, तो एसी का मान जो है वो 13 स्क्वायर हो गया, बीसी का मान कितना है 12 स्क्वायर, 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, इसका मतलब बीसी स्क्वायर का मान आ गया 25। बीसी बराबर 25 का हम वर्गमूल ले लेते हैं जो आता है 5, यानी बीसी बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। पहला क्या है साइन ए, तो साइन ए तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बीसी बटे एसी, बीसी का मान कितना आया, बीसी का मान आया है 5, तो आपका हो गया 5/13। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है एबी बटे एसी बराबर हो गया 12/13। टेन बराबर होता है, टेन आप जानते हैं कि लंब बटे आधार, लंब क्या है बीसी, आधार क्या है एबी, बीसी का मान कितना आया 5, एबी का मान कितना है 12, 5/12। कोसेक बराबर, तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है एसी, लंब क्या है बीसी, 13/5। कॉट, तो कॉट वो क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार का मान क्या है एबी, लंब का मान क्या है बीसी। अब देखिए एबी का मान कितना है, तो एबी का जो मान है वो 12/5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया, यानी कहने का मतलब सेक का मान दिया गया था और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमको ज्ञात करना था, तो इसको आप नोट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां क्वेश्चन, जो कि दिया गया है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए तथा कास बी बराबर हो, यानी कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए और कोण बी के क्या होगा बराबर। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब एक कोण ये होगा ए
और दूसरा होगा बी। इसका मतलब है कि कोण सी क्या होगा, समकोण होगा। कोण सी क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। त्रिभुज ए ए सी बी में, यह हम लेते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी क्यों कर दिया, क्योंकि सी क्या है, समकोण है, इसलिए इसको हमने बीच में कर दिया। क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। देख लीजिए अब हम क्या करते हैं कि कॉस ए का मान रख देते हैं और कॉस बी का मान। इसको ध्यान से देखिएगा, जब हम कॉस ए लेते हैं तो कॉस ये है ना, तो इसके सामने जो होगा ये लंब होगा और जिस पर ये कोण बना हुआ है ये क्या होगा, आधार होगा। तो कॉस ए के लिए लंब क्या होगा, बी सी, और आधार क्या होगा, ए सी, और उसके सामने क्या होगा, कर्ण। तो ये आपका अब की बार कोण ए के लिए जो हो गया वो ए सी क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। यानी हम यहां लिख दें, नहीं लिखने की जरूरत, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कर्ण क्या है, बटे ए बी। वैसे जब हम कोण बी लेते हैं, जब हम कोण बी लेते हैं तो कोण बी के सामने वाला लंब होगा और जिस पर कोण बी बना हुआ है ये क्या होगा, आधार होगा। तो ऐसे कोण बी के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी बटे ए बी, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलेगा, आधार और लंब का मान बदल जाए, कोण बदलने से आधार और लंब के मान बदल जाते हैं पर कर्ण का मान कोई कभी बदलता नहीं है। अब यहां देखिए एसी यहां है, एसी यहां है, तो ऐसे में हम ए बी यहां है, ए बी यहां है, इसलिए हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और ऐसे में हो जाएगा एसी बराबर बी सी, ठीक है। अगर एसी बराबर बी सी हो गया तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। अब ये कैसे हो गया, ठीक है, ये आप जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान से यहां मतलब है बराबर, ये एक प्रमेय है आपका कक्षा 9 में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान अर्थात की बराबर होते हैं। तो एसी देख रहे ना, एसी के सम्मुख कौन सा कोण है, एसी के सम्मुख बी है, एसी के सम्मुख क्या है, बी है, और बीसी के सम्मुख क्या है, बीसी के सम्मुख क्या है, ए है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए ये भी सही है, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोण यानी एसी के सम्मुख क्या है, बी है, और बीसी के सम्मुख क्या है, कोण ए, क्योंकि
कि बराबर है इसलिए हम आगे पीछे, चाहे इसको हम आगे लिखे चाहे उसको पीछे, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन जो कि आपने त्रिकोणमिति पार्ट फोर में पढ़ा, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे और बार बार क्या करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए